हेलो गाइस, तो आज बनाते हैं हम मसूर दाल का पुलाव। तो ये मसूर, पक्का मसूर और चावल बासमती बड़े वाले, उसको मैंने भिगो के रखा था। तो चलिए इसका हम बना देते हैं जल्दी से फटाफट वाला पुलाव। तो यहाँ पे हम पुलाव बनाएंगे कुकर में, तो मैंने कुकर ले लिया है। चलिए इसको हम गरम करते हैं और गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन कर दिया है, इसमें हम डाल देते हैं तेल। आप चाहो तो ये पुलाव घी में भी बना सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे तेल में। तो पहले डाल दिया तेल, पहले हम डाल देंगे थोड़ा खा मसाला, जो गरम मसाला है वो, और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा जीरा। मसाला हमारा गरम हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देते प्याज जो रखी मैंने चॉप की है। प्याज को हम अच्छे से थोड़ा पकाएंगे, गोल्डन होने देंगे। सो गाइस, देखिए प्याज हमारा एकदम मस्त हो गया है। अभी इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट 1 बड़ी चम्मच, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च लंबी कटी हुई, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर रफली चॉप। अब इसमें हम डालेंगे दही थोड़ा, इसको भी थोड़ा मिक्स कर देते हैं। बहुत खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल दही है। और इसमें हम डालेंगे जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला। तो ये दही का पानी है। अभी ये मसाले में हम डालेंगे मेंट यानी फुदीना, ये सूखा फुदीना है, तो उसको क्रश करके हम डाल देते। सो गाइस, देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी इसमें हम डाल देते हैं चावल और मसूर जो मैंने धो के भिगो के रखा था। पहले कर देंगे इसको मिक्स। अभी इसमें हम डाल देते हैं पानी। और कुकर को कर देंगे हम बंद। तो लीजिए कुकर हो गया बंद। तो अभी हमारा फटाफट वाला मसूर दाल का पुलाव रेडी हो जाएगा। सो गाइस, कुकर मैंने बंद कर दिया था और थोड़ा ठंडा भी होने दिया उसको। अब हम इसको खोलते हैं कि हमारा पुलाव हुआ कि नहीं। वाह, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया हमारा पुलाव रेडी हो गया है। देखिए देखिए, एकदम चावल भी एकदम खिले खिले हुए हैं। तो चलिए इसको हम पीस आउट करते हैं। सो फाइनली हमारा पुलाव रेडी है।
इसको हम खाएंगे दही के साथ, और दही में चाहो तो थोड़ी मिर्च और नमक डाल के खा सकते हो। एकदम टेस्टी और बढ़िया। अगर रेसिपी पसंद आई तो जरूर से लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।